मेहदी की बेसर की बरकत जो मिली है वो इस आयत शरीफ में बताइए। पांच बरकतें मिली है मेहदी अलैहिस्सलाम की बेसर हमारे पास है उम्मत को पांच बरकतें बड़ी बड़ी। सबसे पहले युहिब्बुहुम युहिब्बुना, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह से मोहब्बत करेगा, ये बड़ी बरकत है मेहदी की बेसर की। और दूसरी है ये अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, मोमिनों के मुकाबले में नरम दिल होंगे। ये बड़ी बरकत मिल रही मेहदी की बेसत के बाद, तशरीफ आने के बाद, हर नबी हर खलीफे की बेसत के बाद जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो रूहानी तरक्की। रूहानी के खजाने मिलते हैं दुनिया के नहीं, दुनिया के खजाने नहीं, रूहानियत के बसीरत के अल्लाह की मोहब्बत के खजाने मिलते हैं। दूसरी है मोमिनों के मुकाबले में नरम दिल और काफिरों के मुकाबले में सख्त। और तीसरी है, दूसरी और तीसरी दूसरी यानी मोमिनों के मुकाबले में नरम दिल, तीसरी है काफिरों के मुकाबले में सख्त दिल, और चौथी बरकत जो मिलती है वो है युजाहिदुना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते तन मन धन वतन अहल अहल आयाल मां सबसे जिहाद करते हैं, ये चौथी बरकत है। और पांच ही बरकत जो मिलती है मेहंदी की बेसर के बाद, वला यखाफुन लवकला, हलाकत करने वाले की नाम से नहीं डरते। अब इन पांच सिफतों में से कहीं भी दुनिया के खजानों की बात नहीं है, खेतों की बात नहीं है, माल सर औलत जेवर का तस्किरा नहीं है, सिर्फ रूहानियत के खजाने नहीं है। सबसे बड़ा खजाना अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ा खजाना है, अल्लाह ये दे रहा है। तो बेसते मेहंदी के पांच बरकतें अल्लाह ताला